हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार सिंह। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में बताया था। इस क्लास में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे नाम से यह स्पष्ट है, पहला क्या था, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब कि क्रोमोसोमो के स्ट्रक्चर में चेंज होता था। लेकिन यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन, जैसे इसमें क्या है, क्रोमोसोमों के नंबर में कमी या वृद्धि होती है। तो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमें यह तो पता चल गया कि आज जो चेंज होगा वो किसमें होगा, क्रोमोसोमों के नंबर में होगा। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्रोमोसोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या में कमी या वृद्धि होती है। अब वो कमी या वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक तो एन्यूक्लाइड होते हैं और दूसरे तरीके को यूक्लाइड्स होते हैं। इसमें भी कमी होती है, एन्यूक्लाइड में भी और यूक्लाइड में भी कमी होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि एन्यूक्लाइड में डाइसोमिक अवस्था में क्रोमोसोमों के नंबर में कमी या वृद्धि होती है, जबकि यूक्लाइड्स में पूरे के पूरे जीनोम के जो सेट होते हैं उनमें कमी या वृद्धि होती है। अब बात आ रही है कि जीनोम, मैंने बोला इसमें डाइसोमिक अवस्था में कमी या वृद्धि आती है, और इसमें मैंने बोला यूक्लाइड में कि जीनोम में कमी या वृद्धि आती है। तो जीनोम भी में भी कमी होगी तो क्रोमोसोमों का नंबर कम होगा, वो भी हो गई आपकी न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन, और डाइसोमिक अवस्था में जो कमी होगी वो भी आपका आ जाएगा यूक्लाइड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई डाइसोमिक अवस्था क्या होती है क्रोमोसोमों की और जीनोम क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां पर आप लोगों को एक मटर का पाइजन सेटाइलम का क्रोमोसोम नंबर दिया है। पाइजन सेटाइलम का क्रोमोसोम नंबर जब आप लोग देखोगे तो लिखा होता है 2n बराबर 2x बराबर 14, मतलब कि मटर के न्यूक्लियस में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन 2x और 2n की स्थिति उसमें होती है। 2n का मतलब होता है डाइसोमिक अवस्था और 2x का मतलब होता है डिप्लॉइड अवस्था। 2n का मतलब कि प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी और 2x का मतलब कि प्रत्येक जीनोम की दो कॉपी। तो यहां पर जो मटर होता है उसमें एक जीनोम की दो कॉपी होती है और प्रत्येक क्रोमोसोम की भी केवल दो कॉपी होती है। इसको मैं यहां पे एक न्यूक्लियस बना के मैंने यहां सोमैटिक सेल बना दिया, और सोमैटिक सेल में के जो न्यूक्लियस है उसमें मैं आपको इस कंडीशन को दिखा रहा हूं कि कैसे 2n बराबर 2x बराबर 14 होते हैं। तो देखिए यहां पर मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14, 14 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये 7 कितने हो गए, 14, तो 7 ये और 7 ये, कुल हो गए 14, 14 क्रोमोसोम यहां पे दिखाई दे रहे हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पर प्रत्येक क्रोमोसोम की दो ही कॉपी होगी। ये देखिए ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ए और बी जीन है, तो ये भी एक क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ए और बी जीन है, तो एक क्रोमोसोम की दो कॉपी है यहां पर, बाकी कोई भी ऐसा क्रोमोसोम नहीं है जिसके ऊपर ए और बी जीन है। तो ये जो 7 क्रोमोसोम है ये सब क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अलग जीन मिलेंगे, इसके ऊपर अलग जीन मिलेंगे, इसके ऊपर अलग जीन मिलेंगे, सातों के ऊपर अलग अलग जीन मिलेंगे, मतलब ये क्रोमोसोम आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस, ठीक है। और प्रत्येक क्रोमोसोम की इन सातों में से प्रत्येक क्रोमोसोम की एक और कॉपी सोमैटिक सेल में उपस्थित होती है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम की जो दो कॉपी पाई जाती है इसी अवस्था को हम बोलते हैं डाइसोमिक अवस्था। प्रत्येक क्रोमोसोम की सोमैटिक सेल में दो कॉपी का पाया जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइसोमिक अवस्था, 2n। तो जब डाइसोमिक अवस्था में क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज्यादा होता है, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की केवल दो कॉपी होती है, तो मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है जिसकी दो कॉपी है, इनमें से ये जो एक क्रोमोसोम है इसकी संख्या कम हो गई, तो यहां पर एक क्रोमोसोम कम हुआ तो 2n-1, एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, यहां पर मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम और बढ़ गया तो क्या हो गया, 2n+1।
ट्राइसोमी, ठीक है। एक कम हो गया मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम कम हो गया मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ गया ट्राइसोमी। तो इसमें सोमैटिक सेल में जो 2n होता है, डायसोमिक अवस्था होती है, उसमें क्रोमोसोमों का नंबर घटता या बढ़ता है। तो जब सोमैटिक सेल के 2n की स्थिति में क्रोमोसोमों का नंबर कम या ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं एन्यूक्लाइड, और जब पूरे के पूरे जीनोम के सेट में क्रोमोसोमों का नंबर घटता या बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं यूक्लाइड। अब हम समझेंगे जीनोम क्या होता है। तो अब इसमें यह भी लिखा है ना कि 2x, ये तो आप समझ रहे हैं कि 14 क्रोमोसोम होंगे, तो 14 क्रोमोसोम हम आपको दिखा रहे हैं, 14 क्रोमोसोम 2n की स्थिति में होंगे, इसका मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होगी। ये देखिए इसमें 14 क्रोमोसोम भी हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी भी हैं। अब बात आ रही है, ये समझ में आ गया कि 2n और 14 क्रोमोसोम, 2x का क्या मतलब है। तो 2x का मतलब होता है कि ये जो 7 क्रोमोसोमों का एक सेट होता है, इस सेट को हम बोलते हैं एक्स जीनोम। किसी भी जीनोम के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उनके ऊपर जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और इनकी मॉर्फोलॉजी भी एक दूसरे से अलग होती है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको। इस जीनोम, ये जो एक सेट है 7 क्रोमोसोमों का, इन 7 क्रोमोसोमों के सेट को क्या बोलते हैं, एक्स जीनोम। और एक जीनोम की भी इसमें क्या होती है, सोमैटिक सेल में 2 कॉपी मिलती है, 2x, एक ये जीनोम हो गया और सेम इसी जीनोम का एक सेट और मिल रहा है, तो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं। तो अब ये भी देख लीजिए कि किसी भी जीनोम के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, आपस में नॉन होमोलोगस होंगे। जैसे ए बी इस जीनोम में केवल एक बार है, सी डी एक बार है, मतलब ये सारे क्रोमोसोम, 7 क्रोमोसोम एक दूसरे से जीन के मामले में क्या है, सारों के ऊपर क्या है, अलग अलग जीन उपस्थित हैं। तो ये पूरा जो सेट होता है इसे हम एक्स बोलते हैं। और सोमैटिक सेल में हम जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन का स्टडी करते हैं उसमें हम एक नॉर्मल कंडीशन ये मानते हैं कि 2x की तुलना में करते हैं, यूक्लाइड का अध्ययन 2x की तुलना में करते हैं, मतलब कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक जीनोम की 2 कॉपी होती है, इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी यूक्लाइड। एक सेट और यहां पर हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो ट्राइक्लाइड। दो सेट ज्यादा हो गए, एक सेट ये, एक सेट ये, फिर एक सेट, फिर एक सेट, तो क्या हो गया, टेट्राक्लाइड। 6 हो गए, हेक्साक्लाइड। लेकिन जब पूरे के पूरे जीनोम में कमी या वृद्धि ना हो, केवल डायसोमिक अवस्था में कमी या वृद्धि हो, तो उसे हम बोलते हैं एन्यूक्लाइड। ठीक, तो हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, एन्यूक्लाइड और यूक्लाइड। अब हम चलते हैं एन्यूक्लाइड को पढ़ते हैं। एन्यूक्लाइड 4 प्रकार की होती है, नलिसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। नलिसोमी में किसी भी सोमैटिक सेल से 2 क्रोमोसोम समाप्त हो जाते हैं, जैसे ये है, ये मटर के लिए एग्जांपल में हम लेते हैं। मटर में ये 14 क्रोमोसोम है, अब इन 14 में अगर ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम समाप्त हो गए, 2 समाप्त हो गए तो 2n माइनस 2, 2n तो पूरा है, 2n माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 2। वहीं अगर केवल एक क्रोमोसोम समाप्त हो जाए सोमैटिक सेल से, जैसे ये, तो अब कितने क्रोमोसोम हो गए, केवल एक कम हुआ है इसमें, तो क्या होगा, 2n माइनस 1। तो इस कंडीशन में 2n कितना था, 14, और 2n माइनस 2, 14 माइनस 2 बराबर कितने आ रहे हैं, 12। अब सोमैटिक सेल में एक कम हो गया तो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 क्या होगा, 14 माइनस 1 बराबर कितने आ गए, 13। अब इसी सोमैटिक सेल में, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होगी, जिसे हम बोलते हैं डायसोमिक अवस्था। अब इसी में अगर एक क्रोमोसोम की ग्रोथ हो जाए, ये देखिए, अब नॉर्मल कंडीशन क्या है कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी,
पर यहां पर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम ऐसा है जिसकी की तीन कॉपी मिल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 2n। नॉर्मल कंडीशन क्या है, 2n। तो यहां पर 2n में एक प्लस हो गया है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2n+1। तो 2n प्लस मतलब 1 मतलब ट्राइसोम। तो 2n कितना है, 14, और प्लस कितना बढ़ गया, 1। तो 7 14 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 और ये 15। 14 कितना हो गया, 15। फिर अगर सोमैटिक सेल में दो होमोलोगस क्रोमोसोमों की वृद्धि हो जाए, जैसे दो तो मिलते ही हैं, अब चार मिल गए, तो कितने होंगे, 2n+2। तो अब यहां पर हो जाएगा 2n+2। 2n+2 मतलब टेट्रासोमी। अब ये हो जाएगा 14+2 16। तो क्रोमोसोमों का नंबर होता क्या है, 2n=14। लेकिन जब क्रोमोसोमों में सोमैटिक सेल में डाइसोमिक अवस्था की अपेक्षा जब सोमैटिक सेल में 2n में दो क्रोमोसोम कम हो गए, उसे क्या कहेंगे, मेलीसोमी। जब सोमैटिक सेल में केवल एक क्रोमोसोम कम हुआ, मोनोसोमी। जब सोमैटिक सेल में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, ट्राइसोमी। और जब क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम बढ़ गए, सोमैटिक सेल के अंदर जब दो क्रोमोसोम बढ़ गए, टेट्रासोमी। और इस प्रकार से क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा और बढ़ जाएगा। तो समझ गए आप लोग, एन्यूप्लॉयडी मतलब कि डाइसोमिक अवस्था में क्रोमोसोमों का नंबर कम होगा या ज्यादा होगा। डाइसोमिक अवस्था मतलब फिक्स है कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, तो जब उससे ज्यादा, ये तो फिक्स है कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी होगी, जब तीन कॉपी मिल रही है एक तो किसी एक क्रोमोसोम की, ट्राइसोमी। जब दो क्रोमोसोम और बढ़ गए, टेट्रासोमी। एक क्रोमोसोम कम हो गया सोमैटिक सेल से, मोनोसोमी। दो क्रोमोसोम कम हो गए, मेलीसोमी। इस प्रकार से ये एन्यूप्लॉयडी होती है। और इसमें देखिए केवल इसमें कमी या ग्रोथ वृद्धि हो रही है, एक डाइसोमी का अवस्था, पूरे पूरे जीनोम में कमी और वृद्धि नहीं हो रही, ये सारे क्रोमोसोम वैसे ही पड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉयडी। यूप्लॉयडी में पूरे पूरे जीनोम में कमी या वृद्धि होगी, पूरा एक सेट नामांतर के दो सेट होते हैं, मतलब 2x। जैसे यहां पर हम 2n प्रत्येक क्रोमोसोम की दो कॉपी मान रहे थे, तब इसकी तुलना की, ठीक उसी प्रकार से आपका जो यूप्लॉयडी होता है उसमें हम ये मानते हैं कि सोमैटिक सेल में प्रत्येक जीनोम की दो सेट होते हैं, एक सेट ये और एक सेट ये, यही होते हैं। ठीक, जब केवल एक सेट मिलेगा, हैप्लॉयड, दो सेट मिले, डिप्लॉयड, तीन सेट मिले, ट्रिप्लॉयड, चार सेट मिले, टेट्राप्लॉयड, इस प्रकार से वो बढ़ता जाता है। तो नेक्स्ट, अगली क्लास में मैं आप लोगों को यूप्लॉयड के बारे में बताऊंगा, यूप्लॉयडी किस प्रकार से होती है। ठीक है।